जगमणि पंजाब केसरी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जो विद्यार्थी कनेडा जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उन्होंने लिए एक खास खबर है। दस दिए कि कनेडा सरकार के वलों संकेत दिए गए हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कनेडा जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उन्होंने रोक लगाई जा सकती है। कैबिनेट के फैसला फिलहाल तो नहीं लिया गया, पर इस फैसले को लेकर जल्दी ही कोई ना कोई निजम लागू किया जा सकता है। दस दिए कि कनेडा सरकार का मनना है कि जो कनेडा दे विच घर लोगों नूं रिहायश नहीं मिलती पई, अजिहे दे विच जेकर वख वख देशों तो कनेडा दे विच पढ़ाई करन दे लई विद्यार्थी जांदे ने तां अजिहे दे विच उहनां दे लई उहनां नूं रिहायश का प्रबंध करना बहुत ही ज़्यादा औखा हो जाएगा। तो नाल ही जो उत्थे घरां दीआं कीमतां भी वध गईआं ने, जो रेंट ने, जो किराया है रहण दा, किसी भी विद्यार्थी नूं ज़्यादा भरना पैंदा है। अजिहे दे विच कनेडा सरकार दे वल्लों एक वड्डा फैसला जल्दी ही लिया जा सकता है। तुहाडे नाल खबर पूरी सांझी करांगे कि आखिर माजरा की है। दस दिए कि कनेडा इस समय रिहायशी संकट का सामना करता पाया है, कि इत्थे आबादी ज़्यादा है पर रहण दे लई मकान घट ने, जिस करके मकानों दीआं कीमतां बहुत वध गईआं ने। कनेडा सरकार वधदे रिहायशी संकट के नाल निजिठण दे लई अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती सीमित करन बारे विचार कर रही है, जो कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नवी कैबिनेट दा दे मुख टीचियां दे विचों इक है। तुहानूं दस दईए कि देश ने 8 लाख तो वध अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का स्वागत किया है। सरकारी अंकड़ों की गल करिए, सरकारी अंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2022 दे विच विद्यार्थियों जारी किए गए 5,49,570 स्टडी परमिटा दे विचों 2,26,000 भारतीयों नूं दिते गए सन। ये पूछे जाण ते कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ते कैप लगाई जा सकती है, हाउसिंग बुनियादी ढांचा और कम्यूनिटीज़ मंत्री सीन फ्रेजर ने पत्रकारों नूं कहा कि मैनूं लगता है कि उन्हां विकल्पां दे विचों ये एक है जिस ते सानूं विचार करना चाहिए। फ्रेजर ने सोमवार नूं पत्रकारों नूं कहा कि सरकार ने अजे तक कोई फैसला नहीं लिया, मैनूं लगता है कि सानूं इत्थे कुछ गंभीरता दे नाल सोचण दी लोड़ है। ते नाल ही तुहानूं दस दईए कि अधिकारित अंकड़े ये दर्शाउंदे ने कि विदेशी विद्यार्थी 10 सालां दे विच दुगणे तो भी वध हो गए ने। कनेडा अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक प्रसिद्ध मंजिल है, क्योंकि इत्थे वर्क परमिट प्राप्त करना मुकाबलतन आसान है। तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई के बहाने कमाई करन अते बेहतर जिंदगी जीउण दे बहाने कनेडा आउंदे ने। नवे हाउसिंग मंत्री सीन फ्रेजर ने कहा कि विद्यार्थियों की गिनती दे विच तेजी दे नाल वाधा कुछ हाउसिंग बाजारों से स्पष्ट दबाव पा रहा है। फ्रेजर ने कहा कि असी एक अस्थाई इमीग्रेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, पर वह इन्ने थोड़े समय के इन्ने विस्फोटक वाधे को देखने के लिए कदे नहीं बनाए गए सन। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार हाउसिंग मुद्दे के नाल निजिठण के लिए काफ़ी कुछ नहीं कर रही है, तो मकाना का संकट स्थानक लोगों पर भी भारी पै रहा। सो कुल मिला के जेकर देखा जाए तो कनेडा दे विच रिहायश नूं लैके जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। तो अजिहे दे विच कनेडा सरकार दे वल्लों जल्दी ही कोई फैसला लिया जा सकता है, जिवें कि उत्थों दे मंत्री साहिबान दे वल्लों एक संकेत दिता गया है कि जो विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी ने उन्हां दे जो आमद से कटौती की जा सकती है, उन्होंने घट वीजे दिए जा सकते हैं। इन चीज़ों को लैके संकेत जो कनेडा तो आए ने, अजिहे दे विच जो पंजाब दे विच गल करिए तां पंजाब दे विच काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी ने कनेडा जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने कितना ना कि इस मुश्किल का सामना करना पै सकता है। तुसीं बने रहो जगबाणी टीवी के नाल। धन्यवाद।